हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है फैक्टराइज, इसे फैक्टराइज करना है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है। आपको बताएं कि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वह 3 है, मतलब इसका जो डिग्री है वह 3 है, और मैक्सिमम डिग्री जितना होता है पॉलिनोमियल का उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसके 3 फैक्टर्स मिलेंगे। इसको इसका कंसेप्ट है, सॉल्व करने का कंसेप्ट है कि इसके देखिए इसका कांस्टेंट टर्म क्या है और उसके पहले फैक्टर को निकालिए। ये देखिए उसका कांस्टेंट टर्म 2 है, ये जो 2 है 2 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा, मतलब इसके 2 फैक्टर मिलेंगे हमें, 1 और 2। इसका पॉजिटिव भी ले लीजिए, ये +1, इसका एक पॉजिटिव भी ले लीजिए, मतलब ये +1 -1 +2 और -2। ये प्लस, इन चारों में से कोई ना कोई निश्चित ही +1 -1 +2 -2 निश्चित ही, ये जो है जरूर ही इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। निश्चित है कि ये कोई फैक्टर होगा, हो सकता है कि चारों हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, लेकिन एक जरूर मिलेगा। इसके लिए एक बार इसको पॉजिटिव, एक बार हम आइए हम पहले x+1 को लेकर के सॉल्व करते हैं कि क्या इसका वैल्यू है कि नहीं है। x+1 = 0 और x = हो जाए कितना, -1। अब हम इसमें x की जो वैल्यू होगी हम -1 पुट करेंगे। ये देखो ये जो px, ये पॉलिनोमियल है, यहाँ p की वैल्यू हम x की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है -1 है। ये -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर -1 ये -1 और +2। ये देखो यहाँ x की वैल्यू -1 है तो 1 1 जा 1 1 जा 1 -1 और यहाँ 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 1 1 जा 1 और -2 हो जाएगा, और ये -1 +1 और ये +2। ये देखो ये -3 हुआ और ये +3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब कि ये -1 जो है, मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आया तो x+1 ये क्या होगा, इज ए फैक्टर, मतलब x+1 इसका एक फैक्टर है। आइए हम और फैक्टर को निकालते हैं। तो इसके लिए अब क्या करिए कि इसको डिवाइड करिए x+1 से, ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करो x+1 से, डिवाइड करिए किसको, x³ -2x² -x+2 को डिवाइड करिए। आइए देखते हैं, ये देखो एक्स क्यूब है, हाँ एक्स है तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और x² = x², यहाँ हो गया क्या x², ये देखो ये माइनस हो गया और ये भी, यहाँ देखो ये प्लस है ना तो ये भी माइनस हो गया, ये कट गया। ये देखो 2x² माइनस और -1x², देखो जब ही आप यह ध्यान रखिए कि जब यहाँ माइनस लग जाता है, जब ये प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और जब ये माइनस यहाँ लग जाएगा तो ये चिन्ह की वैल्यू समाप्त हो जाती है, यहाँ जो प्लस है वो समाप्त हो जाता है। अब ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस और माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, प्लस ही रहता है। तो यहाँ -2x² और -1x² -3x² हो गया, और इसको उतारिए -x और +2 को। यहाँ देखिए अब हमें -3x² लाना है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ जब माइनस लिखेंगे तभी यहाँ माइनस आएगा, तो ये माइनस और यहाँ हमें क्या चाहिए, x है, हमें एक 3 चाहिए और एक x चाहिए, और इसे मल्टीप्लाई करिए 3x² तो -3x² और माइनस और प्लस माइनस 3 1 जा 3x हो जाएगा यहाँ। ये देखो ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल हो गया और ये भी क्या हुआ, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो प्लस और माइनस घटता है, 3x में से एक x जाएगा तो ये बच जाएगा 2x और +2। अब हमें देखो 2 चाहिए, यहाँ x सही है, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए प्लस में, तो +2, अब मल्टीप्लाई 2x 1 जा 2x और 2 1 जा 2। ये देखो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर देखो क्या हुआ, 0। इसका मतलब कि यह जो है इसका एक फैक्टर है।
अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स को क्या करिए, अब यहां सॉल्व करिए, इसको बाद में देखते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू को सॉल्व करिए, देखो ये टू दो के दो, देखो टू के फैक्टर, टू के फैक्टर निकालिए, वन इंटू टू, ये दो ही यही फैक्टर है। अब देखो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि मतलब ऐसे दो नंबर्स जिसको हम अगर आपस में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो थ्री आ जाए, और आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाए, टू अंजा टू हमें प्राप्त हो जाए। तो देखो वन और टू है, वन और टू को जब जोड़ेंगे तो थ्री हो जाएगा, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे इसको एज इट इज, एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स माइनस एक्स और प्लस टू, क्योंकि ये दो माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है एक्स और इसको, तो ये टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये देखो ये अब इसको सॉल्व करो, यहाँ दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है तो एक्स एक एक्स बचेगा, एक एक्स कट जाएगा तो एक टू बचेगा। यहाँ देखो हमें x माइनस टू लाना ही है तो माइनस वन कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस और प्लस माइनस x माइनस टू। अब देखो यहाँ भी दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस टू ले लो कॉमन, x माइनस टू और x माइनस वन। अब देखो ये दो फैक्टर यहाँ मिल गए, और ये पहले से हमें फैक्टर एक प्राप्त हुआ है क्या, x प्लस वन, हमें पहले से x प्लस वन ये फैक्टर प्राप्त है, तभी तो यहाँ जीरो आया था। अब ऑल फैक्टर्स जब लिखेंगे हम, इसके ऑल फैक्टर्स जब लिखेंगे, ऑल जब फैक्टर्स इसके जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स और x माइनस वन, x माइनस टू एक्स माइनस वन और एक x प्लस वन, यही जो है इसके तीनों फैक्टर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।